हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसी लर्निंग। स्टैंडर्ड एसवाई बीकॉम, सब्जेक्ट ऑडिटिंग, टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, सब टॉपिक क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सी, अकॉर्डिंग टू लॉ, नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज रिकमेंडेड फॉर द ऑडिटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, but in case of companies the following qualification is must: a chartered accountant having a certificate of practice from the Institute of Chartered Accountant of India, and a person having an authentication in part b stating that he designated to act as a auditor। matlab yahan pe kya bola hai bachcho ki agar hame प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर कंसर्न का ऑडिटर करना है तो वहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है ऑडिटर के लिए। बट इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कैन प्रैक्टिस एज एन ऑडिटर, या फिर ऐसा पर्सन जिसका पार्ट बी में ये स्टेट किया है कि ही कैन एक्ट एज एन ऑडिटर। ठीक है, तो बच्चों इन सिंपल वर्ड्स, अ पर्सन हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हु इज सीए रजिस्टर्ड अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कैन डू द वर्क एज एन ऑडिटर। और दूसरा, अ पर्सन हु इज ऑथेंटिकेटेड इन पार्ट बी स्टेटिंग दैट डेजिग्नेटेड टू एक्ट एज एन ऑडिटर। ठीक है, देन यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिटीज क्या होने चाहिए ऑडिटर के। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, वन इज प्रोफेशनल एंड वन इज एट पर्सनल लेवल। ठीक है, तो प्रोफेशनल क्वालिटीज इज द ऑडिटर मस्ट हैव अ कंप्लीट एंड ट्रू नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल थियोरीज एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी। करेक्ट, सो द ऑडिटर शुड हैव अ प्रॉपर करेक्ट नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स, जो भी रूल्स है, जो भी थियोरीज है ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंट्स के उसको सारे रूल्स स्टैंडर्ड्स सब पता होने चाहिए। विदाउट दैट वी कैन नॉट डू द ऑडिटिंग। देन द ऑडिटर मस्ट बी फेमिलियर विद द डिफरेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर एस्पेक्ट्स। जो भी लाइक हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो जो भी सिस्टम है अकाउंटिंग का, तो ऑडिटिंग शुड बी फेमिलियर विद दैट। देन ही मस्ट बी वेल वर्स विद ऑल द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ऑडिटर शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, टैक्सेशन, तो हर एक ब्रांच ऑफ अकाउंट्स का नॉलेज ऑडिटर को होना चाहिए। ही शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग में कुछ लेटेस्ट चेंजेस हुआ है, लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में ऑडिटर शुड बी अवेयर, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, ही शुड हैव अ ट्रू नॉलेज इन वेरियस लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग बिजनेस सच एज कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सी दिस आर द डिफरेंट एक्ट्स, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ले लूँ, तो इसमें कैसा है कि मिनिमम टू पार्टीज कैन डू द पार्टनरशिप, मैक्सिमम 20 पार्टीज कैन टू एंटर इन टू द पार्टनरशिप। करेक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर मैं बात करूँ, तो सेल ऑफ गुड्स में गुड्स का डेफिनेशन दिया है कि गुड्स क्या होना चाहिए, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। देन अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वहाँ पे दो पार्टीज होनी चाहिए, बायर एंड सेलर एंड सो ऑन, तो हर एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कंपनीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी चीज़ें दी गई है, तो ये एक्ट के बारे में द ऑडिटर शुड बी अवेयर। करेक्ट, देन द ऑडिटर शुड हैव अ थ्रू नॉलेज ऑफ टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। बहुत सारे टेक्निक्स है ऑडिटिंग के, जो हम ऑडिटिंग के सिलेबस में पढ़ेंगे, है ना, तो वो टेक्निक्स के बारे में ऑडिटर के पास जानकारी होनी चाहिए। ही शुड बी फुल्ली अवेयर ऑफ न्यू चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी रूल्स है, जो भी प्रैक्टिस है, उसमें अगर कुछ न्यू चेंजेस आए हैं, न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो उस डेवलपमेंट और चेंजेस के बारे में he should be fully aware, he should have true knowledge about it, then only he can do the proper auditing. Then the auditor must be familiar with computer accounting and other automatic machine devices used in offices. See, accounts जो है वो tally में भी maintain किया जाता है, tally करके एक software है जहाँ पे companies अपना accounts maintain करती है, right? So this knowledge the auditor should have कि how the accounts are maintained in tally, how the entries are passed, where to see which report, correct? तो ये जानकारी ऑडिटर के पास होनी चाहिए। In addition to the knowledge of commercial laws, an auditor should have through knowledge of various provisions
रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वैट, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो इनकम टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस है, वेल्थ टैक्स के बारे में, वैल्यू एडेड के बारे में है, वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में है ना, गिफ्ट टैक्स के बारे में है, तो ये सारे प्रोविजंस के बारे में द कंपनी द ऑडिटर शुड बी अवेयर। द ऑडिटर शुड बी फेमिलियर विथ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक लॉज, बिकॉज अ बिजनेस हैज टू वर्क विद इन सम स्पेसिफिक इकोनॉमिक लॉज एंड सोशल एनवायरमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन टू बिजनेस। जो भी इकोनॉमिक लॉज है, दैट इकोनॉमिक लॉज ऑल्सो ऑडिटर शुड बी फेमिलियर विथ, बिकॉज विदाउट दिस लॉज ही कैनॉट डू द ऑडिटिंग प्रॉपरली। ठीक है, तो बच्चों इन शॉर्ट ऑडिटर शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी थिंग विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस, विच इज रिलेटेड टू द ऑल द थिंग्स, ओके, वेयर ही इज सपोज टू डू द ऑडिटिंग। The auditor should have knowledge in statistics and mathematics, which will help him to deal with complicated problems. Statistics and mathematics का भी knowledge उसको होना चाहिए. Without that, he cannot do the auditing. Correct? Because calculations करने पड़ते हैं. If he don't know mathematics, how he will do the auditing? Correct? So statistics and mathematics, mean, median, mode, all these things he should be aware about it. Standard deviation, correlation, regression. So it will help him to do the auditing properly. Sorry. Then he must study important judgments in audit cases, which will help him to define the duties, responsibilities, and liabilities of an auditor. See, he should have the proper judgment skill. Proper judgment, उसे अगर कोई भी चीज़ वो करता है, कोई भी चीज़ वो देखता है, ठीक है, तो he should able to judge that things कि क्या हो सकता है इसमें, क्या इसमें कोई error हो सकती है, या क्या इसमें कुछ fraud हो सकता है, या ये चीज़ बराबर है, या ऐसा क्यों किया होगा। So proper judgment, he should be able to judge the things properly. Okay, without that he cannot do the auditing properly. Then the auditor should have a good knowledge in business organization and financial administration and industrial management. Business organization ke bare mein he should have the knowledge, finance, how to admin the finance, how to control the finance, and how to manage the industries. So all this knowledge also auditor should have. Then personal qualities kya honi chahiye auditor ki? तो ऑडिटर मस्ट बी हॉनेस्ट इन हिज वर्क, ही शुड बी वेरी वेरी हॉनेस्ट, ऑनेस्टली उसने काम करना चाहिए। इफ ही हैज टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज सक्सेसफुली, ही हैज टू मेंटेन अ गुड मॉरल स्टैंडर्ड। देन नेक्स्ट वन इज द ऑडिटर शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी बायस इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, ही शुड बी इम्पार्शियल, ही शुड बी वेरी वेरी इम्पार्शियल, उसने कोई भी पार्शलिटी नहीं करनी है व्हाइल डूइंग द ऑडिटिंग। करेक्ट, अगर सपोज वो कोई कंपनी को ऑडिट करता है और वहाँ पे उस ऑडिटिंग में उस कंपनी में कोई मैनेजमेंट है जो उसका फ्रेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको पर्सनल रिलेशंस को मेंटेन नहीं करना है, इम्पार्शियली ही शुड डू द ऑडिट वर्क। टैक्टफुल, द ऑडिटर शुड बी टैक्टफुल इन डीलिंग विद क्लाइंट स्टाफ, ही शुड बी वेरी वेरी टैक्टफुल, बहुत ही टैक्टफुली ही शुड एबल टू जज द थिंग्स, सो ही शुड बी वेरी टैक्टफुल। देन द ऑडिटर मस्ट हैव अ एटीट्यूड एंड विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, ही शुड बी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। Correct. Then ability to trace out facts and figures. Auditor should possess a realistic attitude towards his work. He should be able to trace out the facts and figures. Then courage. The auditor should be bold enough to discharge his duties. He should not certify which he doubts to be genuine. And courage means if he is having any doubt, correct? So he must have that ability to ask that doubt to the other party. ठीक है, टू हिज क्लाइंट्स और मैनेजमेंट और द क्लाइंट स्टाफ, वॉट एवर, सो ही शुड हैव दैट करेज टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। देन एबिलिटी टू मेंटेन सीक्रेट्स, द ऑडिटर शुड हैव द एबिलिटी टू मेंटेन सीक्रेट्स एंड शुड नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ हिज क्लाइंट टू एनीबडी। नाउ द ऑडिटर हु इज डूइंग द ऑडिट ऑफ पर्टिकुलर कंपनी शुड मेंटेन द सीक्रेट्स ऑफ दैट कंपनी, ही शुड नॉट डिस्कस द सीक्रेट्स ऑफ दैट कंपनी विद द आउटसाइड पार्टीज। Okay, then next one is ability to communicate. He should have a good communication skills. An auditor must have the ability to prepare audit report correctly and forcefully, precisely, consciously and clearly. Right? See, auditor ko reports bhi banana padta hai auditing audit ka. To wo report it should be very very correct. Jo wo likh raha hai wo correct hona chahiye, precise hona chahiye, consciously hona chahiye and clearly hona chahiye. Correct?
Then common sense. An auditor shall possess a good common sense. The auditor shall have a full share of the most valuable commodity, common sense. But common sense is normally very much uncommon in men. So whatever the work he is doing, okay, he should have a common sense while doing that work. Correct? So common sense is very normal thing which a person should have. Then over and above the statutory and professional qualities, the auditor has to observe certain code of conduct and professional ethics. ठीक है ना. तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो हमने देखा, पर्सनल क्वालिफिकेशन भी देखा, लेकिन उसी के साथ साथ ऑडिटर को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोफेशनल एथिक्स भी फॉलो करने होते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल ऑडिटर कैन गेन पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट. इससे क्या होगा, पर्सन विल गेन पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट. सी, जैसे ऑडिटर को सीक्रेट्स बाहर नहीं बतानी है. करेक्ट. ही शुड बी वेरी वेरी कॉमन सेंस इसको यूज करना है एंड ऑल दिस थिंग्स. थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर.